बुंदेलखंड में इन दिनों प्रचंड गर्मी पड़ रही है। सागर संभाग के सभी 6 जिलों पर 41 डिग्री के ऊपर पारा है। मौसम को देखते हुए एक तरफ स्वास्थ्य विभाग में हीट वेव को लेकर एडवाइजरी जारी की है, तो दूसरी तरफ लोगों को देसी फ्रिज की याद आने लगी है। साथ में अक्षय तृतीया का पर्व होने के चलते खूब खरीदारी हो रही है। देसी मटकों के साथ राजस्थानी गुजराती की भी डिमांड है। खासकर डिजाइन वाले राजस्थानी मटके खूब खरीदे जा रहे हैं और उनकी कीमत भी अच्छी मिल रही है। सागर में तैयार होने वाले मिट्टी के घड़ों की कीमत 100 रुपये से लेकर शुरू होती है। इसमें टोटी वाले मटके 150 रुपये 200 रुपये तक में मिल रहे हैं। यहाँ की मिट्टी में बारीक कंकड़ होने की वजह से पानी का रिसाव होता है। इनमें हवा लगने पर पानी जल्दी ठंडा होता है। सहडोल के पास चंदिया इलाके से आने वाली सुराही भी बाजार में दिखाई दे रही हैं। वहीं डिजाइन वाले राजस्थानी मटके भी लोगों को खूब पसंद आ रहे हैं। इनकी अच्छी खासी डिमांड है। दादाजी आपको अच्छा, तो अभी जो है गर्मी का सीजन चल रहा है, तो किस चीज़ का व्यापार हो रहा है? अभी सब मटकों का व्यापार ज़्यादा। अच्छा, आप क्या क्या बेच रहे हैं? हम मटका भी बेच रहे हैं, सुराही बेच रहे हैं। तो जो है सुराही है और राजस्थानी मटका और टोंटी वाला मटका, तो क्या अंतर है इनमें? इनमें राजस्थानी भी कम चलता है, सब में कम राजस्थान चलता है, उसके बाद में सुराही सबसे ज़्यादा चलता है देसी मटका। टोंटी वाले मटकों की भी डिमांड है? वो उसकी भी थोड़ी कम है। अच्छा, ठंडा पानी किस किस में होता? ठंडा पानी ज़्यादा देसी मटकों में। अच्छा।